12 में से 11 पार्टियों ने ये साफ कर दिया कि हम दिल्ली के काले अध्यादेश के खिलाफ खड़े हैं, हम इसका खंडन करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी सफाई नहीं दी। कांग्रेस इस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, हर दिन वो देश में कई मुद्दों पर अपने बयान जारी करती है। अब तक जितने भी बयान आए कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब के नेता द्वारा, वो तो यही कह रहे कि हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। 2019 को 5 अगस्त को जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए, और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ज़्यादातर तमाशा देखती रहेगी। पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफ़ी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया, और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया, हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे हमारे नौजवान उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? बीजेपी के दावे निराधार तो थे नहीं। ममता बनर्जी पहले दिन से ही कांग्रेस को बड़ा भाई मानने से इनकार करती रही, जबकि केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को अपना रुख साफ करने का अल्टीमेटम दे रही थी। केजरीवाल के कदम जब तक पटना की धरती पर नहीं पड़े थे, बैठक में उनकी शिरकत को लेकर संशय हटे ना थे। हालांकि केजरीवाल आए तो जरूर, लेकिन बैठक में भी अध्यादेश का मुद्दा ही छिड़ गए। कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने भी केजरीवाल की जिद का विरोध किया। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल का दिल तोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना छोड़ दिया। बीजेपी को सबूत मिल गया, पूरा अमला विपक्ष पर टूट गया। पूरी बैठक में से कुल मिला के 15 देश के नेता इकट्ठे हुए, 15 दल निकल कर के आया कि राहुल गांधी शादी करे मम्मी नाराज है। देश के 15 दल इकट्ठे होते हैं, 5 घंटे नाश्ता और लंच दोनों करते हैं, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं कि राहुल गांधी शादी करो मम्मी नाराज है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नियत है, ना ही नीतियां हैं, और नियत में तो खोट है। विपक्षी गठबंधन की पेंच सिर्फ केजरीवाल नहीं थे। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को लेकर नाराज थी, तो स्टालिन भी कांग्रेस के रुख से खुश नहीं दिखे। केजरीवाल के साथ ही पटना से एयरपोर्ट की तरफ निकले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई पहुंचते ही इसका इशारा कर दिया। मीडिया से बातचीत में स्टालिन ने कहा, बैठक के दौरान मैंने सुझाव दिया कि राज्य में प्रभाव रखने वाली पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बनाया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो सीट बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। मैंने ये भी सुझाव दिया कि चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बननी चाहिए और जहां जरूरी हो साझा उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए।